आरोप है कि पति ने कहा था पत्नी से कि बन जाओ पोर्न स्टार। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है इंडिया वॉइस की खबर दिखाए जाने के बाद। रेप पीड़िता की तहरीर के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, चार लोग गिरफ्तार हुए हैं पति समेत। महिला ने अपने पति पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो आपको बता दें कि पूरी कहानी यह है कि पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसे बेचा और रेप भी करवाया, लेकिन पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। पीड़िता की मुलाकात 2013 में ट्रेवल का काम करने वाले रवि पांडे से हुई थी। मुलाकात प्यार में बदली और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रवि किरण को लेकर, जो कि हमारा बदला हुआ नाम है, वो कोलकाता चला गया। वहां पैसा न होने की दुहाई देकर उससे बार डांसर बनने के लिए कहा। पीड़िता के मना करने पर रवि ने उसे मारा पीटा, सिगरेट से जलाया। मजबूरी में पीड़िता ने समझौता कर लिया और बार डांसर बन गई। इसी तरह ये सिलसिला उसे बेचने और उसका रेप करवाने तक पहुंच गया। अनुराग अग्रवाल कानपुर से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये खबर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई, अब कार्रवाई शुरू हुई है, चार लोग हिरासत में लिए गए हैं और पति को मिलाकर कुल पांच। देखिए इमरान, पहले से थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं कि चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला सबसे पहले इंडिया वॉइस ने दिखाया था कि उसकी जो पत्नी थी वो लगातार आरोप ये लगा रही थी कि उसके पति ने उसको बेचने की कोशिश की, अपने साथियों के साथ गैंग रेप किया और उसके बाद उसको पोर्न स्टार बनाने के लिए दबाव डाल रहा था और उसके लिए दुबई भेज रहा था। इस बात को लेकर जो महिला थी वो काफी पीड़ित थी और उसने लगातार पुलिस के चक्कर लगाए। तकरीबन 15 दिनों तक वो थाने से लेकर आला अधिकारियों के पास गई, लेकिन उसकी कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी। जबकि इमरान, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी रेप पीड़िता अगर थाने से जाती है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर लिखी जाएगी और उसके बाद जांच होगी। लेकिन जब इंडिया वॉइस से खबर को दिखाया गया, सब पुलिस हरकत में आई है और कप्तान जो एसएसपी कानपुर है उनके आदेश के बाद अब जाके पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी इमरान, पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये भी जानना चाहेंगे अभी भी आरोपी जो पति है और बाकी सब फरार है। देखिए, जैसा कि पीड़िता का आरोप था कि जो उसके पति है वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साजगार कर रहा है और इसीलिए एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, और अब जबकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तब ये पुलिस का कहना है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस जो पति है उसके अलावा जो अन्य तीन लोग हैं इन चारों ही के लिए दबिश दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लगातार कोशिश जारी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रिया अनुराग अग्रवाल कानपुर से इस जानकारी के लिए। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर, आरोपी पति समेत चार लोगों पर मामला हुआ दर्ज, इस खबर को दिखाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। कानपुर का मामला, आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को कई बार बेचा और रेप भी करवाया।